ज्योतिष शास्त्रों के द्वारा हमें कई चीज़ों की जानकारी मिलती है जो हमारे लिए बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण भी है। समुद्र शास्त्र उसमें से एक ऐसा शास्त्र है जिसके आधार पर हमारे शरीर की संरचना, हमारे नाखून, बाल, शरीर के रंग, इन सभी चीज़ों के आधार पर व्यक्ति के बारे में काफ़ी कुछ जाना जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के अंगों को देखकर हम ये मालूम कर सकते हैं कि वो भाग्यशाली है अथवा नहीं है। शरीर के विभिन्न अंगों को देखकर उसके शुभ और अशुभ लक्षण भी बताए जाते हैं। इन लक्षणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस संसार में स्त्री से बड़ा कोई रहस्यमयी प्राणी इस धरती पर नहीं है, और इसलिए यदि स्त्री के बारे में कुछ जानना हो तो इसके लिए आपको सामुद्रिक शास्त्र के अलावा कोई भी सही और सरल रास्ता नहीं है। कहते हैं किसी भी परिवार की शुरुआत एक स्त्री के बिना नहीं हो सकती है, और इसलिए स्त्री को लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। जब भी किसी स्त्री का विवाह किसी पुरुष के साथ होता है तो सबकी यही इच्छा होती है कि जो भी लड़की उनके घर में बहू बनकर आए वो अपने पति और परिवार वालों के लिए सौभाग्य लेकर आए। आज हम आपको इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं स्त्रियों के अंगों से जुड़े हुए कई ऐसे शुभ संकेत, जिसको जानने के बाद आप इस बात को समझ सकते हैं कि वो स्त्री आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए कितनी लकी है, पति का भाग्य कितना चमक सकता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। स्त्रियों के कुछ अंगों को देखकर आप आसानी से पता लगा सकते हैं पति के लिए वो स्त्री कितनी भाग्यशाली है। बहुत ही छोटे छोटे से ये रास्ते होते हैं जिन्हें आप आसानी से समझ सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार जिस स्त्री के पांव चिकने, तलवे एक समान, नाखूनों का रंग गुलाबी और उंगलियां सुंदर दिखाई देती हैं, उसके पति का भाग्य बहुत ही अच्छा होता है। भाग्य का साथ मिलता है और वो सभी सुख सुविधाएं प्राप्त करता है। जिस स्त्री के पैर के तलवों पर पसीना नहीं आता है, तलवे बहुत कोमल होते हैं, वो किसी रानी के समान सुख प्राप्त करती है। ऐसी स्त्री अपने पति के जीवन में सौभाग्य लेकर आती है। जिस स्त्री के दांत एक समान और सुंदर दिखाई देते हैं, जिसकी बोली कोयल के समान मधुर होती है, वो भाग्यशाली स्त्री जानी जाती है। जिस भी स्त्री के कान सुंदर, एक समान, कोमल और हल्की लालिमा लिए हुए होती है, ऐसी स्त्री पति के दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदलती है। बाल जिनके भी चिकने, घुंघराले, सुंदर, चमकदार और स्वस्थ दिखाई देते हैं, वह हमेशा भाग्य का साथ प्राप्त करती है। जिस स्त्री की हथेलियों के पास मणिबंध सुंदर और भरे हुए दिखाई देते हैं, वो स्त्री किस्मत वाली होती है। स्त्री के हथेलियों में भी कई राज छुपे होते हैं। जैसे कि अगर किसी स्त्री के हथेलियों में मणिबंध से निकल कर रेखाएं मिडिल फिंगर तक जा रही हों तो ये भी शुभ संकेत माने जाते हैं। और ऐसी स्त्री के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है, ना ही उसके पति के जीवन में धन की कमी होती है। अगर किसी पुरुष की पत्नी की हथेलियाँ कमल की तरह लाल, कोमल और हथेलियों में शुभ रेखाएँ हैं तो वो भी भाग्य का धनी होता है और अपने घर परिवार का जीवन खुशियों से भर देती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी बहुत सारी अच्छी और अद्भुत जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में एक नई और अद्भुत जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।